हेलो गाइस, तो आज हम बनाएंगे मोमोज जो कि है बेहद स्वादिष्ट और लजीज और जिसे बनाना है बेहद ही आसान। मोमोज बनाने के लिए हमने लिया है गाजर, पत्ता गोभी, स्वीट कॉर्न और शिमला मिर्च। गाजर और पत्ता गोभी को हमने कद्दूकस कर लिया है, शिमला मिर्च को हमने बारीक काट लिया है। अब हम इन सब्जियों में नमक डालकर इसका एक्स्ट्रा पानी निचोड़ कर निकाल लेंगे। हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसमें बारीक कटी हुई लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची डालकर सारी सब्जियां मिला देंगे। स्वाद अनुसार नमक, उबला हुआ स्वीट कॉर्न, एक चम्मच सोया सॉस और इसे हम 5 मिनट के लिए पका लेंगे। पिसी हुई एक चम्मच काली मिर्च। स्टफिंग तैयार है। एक बाउल में 250 ग्राम मैदा, 2 चम्मच तेल, थोड़ा सा नमक और पानी डालकर मैदे को अच्छे से गूंद लेंगे। अब हम इस डो से छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे और इसे बेलकर तैयार की हुई स्टफिंग को इसमें भर देंगे और अपने मन चाहे शेप में मोमोज को बना लेंगे। स्टीमर की जाली पर तेल लगाकर सारे मोमोज को रख देंगे और 5 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। गर्मा गर्म मोमोज अब तैयार है। आप चाहें तो इसे तल भी सकते हैं या इसे इसी तरह से एंजॉय करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।